Today we are going to learn multiplication of fraction, multiplication of fraction. ओके अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि अब फ्रैक्शन अगर जब प्लस करना होता है कोई फ्रैक्शन को, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है. कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम बड़ा नंबर लेते हैं, उसका टेबल लिखते, और टेबल लिखने के बाद फिर कौन सा ऐसा कौन सा तो भी नंबर देखते जो इसके टेबल में भी आए और इसके टेबल में, जैसे फिर 4 है तो इसके टेबल में भी आया इसका भी, तो फिर 4 1 जा और 4 2 2 2 2 जा 4, तो फिर इससे मल्टीप्लाई करते और इससे भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करते जिससे कि डिनोमिनेटर सेम आए. ओके दिस ऑल द प्रोसीजर ये हम करते हैं कब कहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त. पर मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, ये इतना फंडा रखता है नहीं, ये बोलता है कि भाई इतना लोचा मत करो ही मत, बेटर है कि आप डायरेक्ट नहीं कर मल्टीप्लिकेशन करो जो आगे का नंबर है उससे. जैसे कि अगर वही नंबर लेते जैसे 1/2 × 2/4, अगर ऐसे फ्रैक्शंस को अगर मल्टीप्लिकेशन करना रहा है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमेटर का डिनोमेटर से, मतलब 1 × 2 and 2 × 4 एंड आंसर शुड बी 2/4 × 8, 2 1 2 2 2 4, बस इतना ही है. ओके दिस इज ऑल अबाउट मल्टी, इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन मतलब टेबल्स लर्न होना जरूरी है. नेक्स्ट अगर सपोज ये हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको बोला गया है कि अगर मिक्स फ्रैक्शन रहा, सपोज 1 1 is to 2/3 × 9, अगर ऐसा फ्रैक्शन रहा मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन, पहले मिक्स का इम्प्रॉपर वो रूल पता ही होना चाहिए, मिक्स यही मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर कैसे करते, इसको इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता वो इससे प्लस, और उसका इम्प्रॉपर 3 1 3 + 2 5, 3 1 3 + 2 5, तो 5/3 और × 9 हो गया. अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, ऐसा समझ लेना, हमेशा याद रखना, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है. तो फिर क्या आया था, 5 × 9 and 3 × 1, लिख भी सकते या फिर नहीं भी लिख सकते, आपकी ये मर्जी. 5 9 5 = 45 and 3 1 = 3, दिस इज द आंसर. ओके अगर देखो अब 45/9 45/3 ये आंसर था आता, पर अगर देख लेना कि ये इसके ये दोनों नंबर किसी के टेबल में आते हैं क्या, मतलब इसका रिड्यूस हमने रिड्यूस देखा, रिड्यूस करना यानी क्या होता, मतलब इसको और छोटा छोटा करना, जैसे 45 के टेबल में ये 45 ये 3 के टेबल में आता क्या देख लेना, 4 + 5 = 9, यस डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है 3 की दोनों के नंबर के प्लस करो, प्लस करने के बाद वो नंबर अगर मेरे टेबल में आएगा तो मैं वो नंबर ले लूँगा, तो 4 + 5 = 9, तो 9 आता है, तो फिर 45 को अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या आता, 3 1 + 3 + 1 = 15, 5 3 = 15, चलो 15 से आ गया, तो फिर आंसर क्या आएगा, 3 1 + 3, ये देखो ये काट के 3 1 + 3 और 3 15 जा, इसको बोलते हैं रिड्यूस करना, तो आंसर आएगा 15 15/1 या फिर 15 भी लिख सकते हैं. सो ये अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे अगर डिवाइड होता है, अगर दोनों ऊपर का और नीचे का नंबर किसी एक के टेबल में आता है तो उसे डिवाइड कर लेना, जैसे कि 3 1 + 3 3 के टेबल में आता है तो 1 लिखा हमने, और 3 45 के टेबल में 45 3 के टेबल में भी आता कितने बार, 50 बार 50 से ये किया करने के बाद, अंडरस्टूड. सो दिस इज द आंसर, हाँ अच्छे से. ओके नेक्स्ट उसके बाद अगर सपोज दो मिक्स फ्रैक्शन रहे, सपोज 2 1/4 × 1 1/5 ऐसा रहा, तब क्या करेंगे, वही मिक्स रखना ही नहीं है, हमें बोलना है कि भैया मिक्स हमें चाहिए ही नहीं, हमें इम्प्रॉपर ही चाहिए, तो इम्प्रॉपर के लिए इम्प्रॉपर करने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उससे इससे प्लस, वही इसको इससे मल्टीप्लाई जो आंसर आता है उससे इससे प्लस, भाई चलो 4 2 8 8 + 1 9 9/4 × 5 1 5 + 1 6 6/5. अब ये दोनों को नंबर्स तो मिल गए, मिलने के बाद क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पर ये हमें लोचा चाहिए नहीं, मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है भैया उसके तरफ ध्यान ही मत दो कि डिनोमिनेटर सेम करो ब्ला ब्ला, वो प्लस वाला बोलता, प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त जब करते ना तब भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता, पर मल्टीप्लिकेशन के वक्त ये फंडा होता ही नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे आना मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, नहीं तो करोगे इससे इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे नहीं करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन आगे वाले से ही करना है, जैसे 9 9 × 2/6 और 4 × 5 9 6 = 54 और 5 4 = 9,
4, 5 या 9, अरे आग तो गया। अब देखना ये दो नंबर फिर से किसी के टेबल में आते हैं क्या? 3 के टेबल में आएंगे, यस आते हैं, ये भी आता है ये भी आता। चलो ये 3, 3 जा 9, क्योंकि 3 से 3 से डिवाइड किया है, मतलब देखो फिर से बता रहा हूँ ये दोनों नंबर कौन से एक के टेबल में आते के चेक करना, इसको बोलते हैं रिड्यूस करना, मतलब कोई फ्रैक्शन को रिड्यूस करना और छोटा करते जाना। तो ये किसके टेबल में आता? 9 आता 3 से 3 के टेबल में, कब? 3, 3 जा, ओके, और ये आता 3 के टेबल में, तो चेक करना पड़ेगा। 54 नहीं पता, 3, 1 जा 3, 5 में से 3 गए 2, 4, और ये आएगा 6, 7, 8, 3 जा 24, 18 जा, तो फिर 3, 18 जा 54, तो आंसर आएगा 18/33, ओके। इसको बोलते रिड्यूस, पहले देख लेना कि ये किसके टेबल में आता है क्या, नहीं तो डायरेक्ट ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है, बट हमें रिड्यूस अगर आगे वाले को चाहिए कि रिड्यूस चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा ना, सो दिस इज ऑल्सो द वे चेक करने का, ओके। चलो नेक्स्ट, अगर सपोज 3 मिक्स फ्रैक्शन रहे तो उसके लिए भी मल्टीप्लाई, देखो 2:1/4 × 2:1/5 × 3:1/5, अब तीन तीन है, देखना ही नहीं कितने भी रहे, 100 भी रहे ना लाइन में, तो बेटा चल आओ एक 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 आओ। चलो मैं बताता तुमको, मिक्स फ्रैक्शन है, चलो इम्प्रॉपर बोले तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन आंसर जो है उससे प्लस, जो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन जो आंसर आता है इससे प्लस, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन जो आंसर आता है इससे प्लस, बस यही फंडा रखने का, समझा? तो वही 4 × 8 8+1 9 9/4 5 × 2 10 10+1 11 11/5 5 × 3 15 15+1 16 16/5, बस बात ही खत्म। चलो अब 3 नंबर है, क्या करेंगे? पहले देख लेते हैं कि कोइन किसके टेबल में आता है क्या, ऊपर का और नीचे का। 9 और 4 तो नहीं आता, ये 3 के आता है, ये 2 के नहीं, 11/5 नहीं, 16/5 नहीं, ऐसा तो नहीं आता, पर इसको ना इससे देख लेते हैं, 4 का 16 से इधर चलता है, इसका इधर भी ऊपर भी रहा चलता है, इस वाले फ्रैक्शन में भी चलता है, तो 4 का 4 और 16 आता किसके टेबल में? 4 के टेबल में, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, काट लिया हमने, काट लिया, देखो पहले ही काट लेना। अब देखो 11 आता 5 9 5 नहीं, कुछ भी नहीं, अब तो ये सभी प्राइम नंबर है, तो जान दो। अब देखो ऊपर क्या बचा, 9 × 11 × 4, अपन नीचे क्या बचा, 1 × 5 × 5 बचा, हाँ। चलो अब मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ बचा नहीं है, तो 9 11 9 जा 99 + 4 × 4 and 5 5 जा 25, अब 99 का 4 से मल्टीप्लिकेशन, चलो 9 8 9 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 4 जा 36 36 + 3 37 38 39, तो आंसर आएगा 396/25, अंडरस्टूड? देखो अगर नहीं समझा फिर से वीडियो रिवाइज करो, एक एक चीज़ को देखो, स्लो करो, व्हाट यू वांट यू डू, यू जस्ट गो अहेड विद दैट, बट चीज़ों को अच्छे से दिमाग में डालो। मैथ ऐसी चीज़ है कि हमें नहीं कि उसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, मेथड पता हो, क्या करना है पता हो, फार्मूले पता हो, बात इसका था पूरा आता। पहले मिक्स है, मिक्स बोले तो हमें पहले पता, मिक्स बोले तो मिक्स हमें चाहिए ही नहीं, मिक्स रहा तो उसको इम्प्रॉपर ही करना, और इसमें डिनोमीटर का फंडा ही नहीं कि डिनोमीटर सेम करो, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन आगे वाले से पूरा करते, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करना, नीचे वाले के पूरे नीचे लेने, ऊपर वाले नीचे, ऊपर इसमें मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले नीचे, पर देख लेना का अगर कोई ऊपर का और नीचे का नंबर कोई एक टेबल में आता है क्या, आता है तो देख लो। अब ये देखो ये नंबर तो आ गया, पर ये किसी के टेबल में आता है क्या, इधर 5 है, नहीं ये 5 के टेबल में ही आएगा, बस हो गया, तो ये तो टेबल में नहीं आता, तो जान दो ये वाला ऐसा ही रहेगा, ओके समझे? सो इन दिस वे अब बात करते ऑफ की, अगर ये एग्जांपल हो गया ऑफ, अगर ऑफ रहता है तो जैसे कि 4/9 of 18 kg ऐसा कुछ रहा रहता है, 18 kg ऐसा रहा, सो व्हाट विल बी द केजी, ऐसे भी क्वेश्चंस है, तो कुछ नहीं, पहले ऑफ रहा ना, ऑफ के जगह मल्टीप्लिकेशन डालना पड़ता है, बस 4/9 × 18, बस ऐसा है, आपके जगह मल्टीप्लिकेशन, इसको सॉल्व करो, पहले देख लो 9 के टेबल पहले रिड्यूस कर लेते, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो देख लो 4 और 9 के एक के टेबल में आते क्या, नहीं, 9 और 18 आते क्या, यस आते, 9 2 जा 18, मतलब 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, ऊपर क्या बचा 4 × 2, नीचे 1 × 1, मतलब आंसर आता
फोर टू जा एट, तो नीचे वन लिखा क्या नहीं लिखा क्या आपकी मर्जी, ओके। सो आंसर आएगा 8 kg, अंडरस्टूड। ये है इसका आंसर। सो इन दिस वे हमने यहाँ पे पूरा मतलब मल्टीप्लिकेशन में कौन से टाइप है वो देख लिया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब मैं हर एक्सरसाइज का एक एक प्रॉब्लम करके बताऊंगा, बाकी का आप खुद ट्राई करके देख लेना। जैसे कि एक्सरसाइज 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट वन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का एच प्रॉब्लम 23:7/16, 1:5/22 and 6, इतना बड़ा है। डरने का नहीं बेड़ो, बस डायरेक्ट लिख तो ले, स्टार्ट तो करेंगे, क्या होता देखेंगे। 7/16 × 1:5/22 × 6। अब ये है, अब पहले देख, चलो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स का क्या करते हम इम्प्रॉपर करते, चलो इम्प्रॉपर करो। 16 × 23 बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है पर करना तो पड़ेगा। 23 × 16, चलो 6 × 3 = 18, 1 carry, 6 × 2 = 12 + 1 = 30, खाली 0, 3 और 2, ओके। ये रहा 3 + 3 = 6, ये आएगा 3 × 6 = 8/16 × 22 × 1 क्या आता 22 + 5 = 27, सो आएगा 27/22। और ये 6 वैसे के वैसे, पर 6 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब यस 1 है, तो लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे आपकी मर्जी। अब देख लेते कौन किसके टेबल में आता है, क्या आता है क्या कोई किसके टेबल में, ये तो नहीं, ये भी नहीं, 6 और 6, हाँ ये आता है 2 के टेबल में, नहीं क्या ये 2 8 = 16 और 2 3 = 6, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 8 = 16 और 2 3 = 6, तो मैंने 2 से काट लिया, तो इसको ये रिड्यूस हो गया, और होता क्या, और कुछ भी नहीं होता। चलो अब मल्टीप्लिकेशन काफ़ी बड़ा है, ओके 27 × 3 / 8 × 22। अब इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना है, डरना नहीं, करने को लग जाने का, बस समझा विषय नहीं। अब 3 6 8 × 27, चलो शुरू करो। 8 7 = 56, 5 carry, 7 6 = 42, 42 + 8 चाहिए ना, हाँ 8 7 = 56, 5 carry, 8 7 6 = 42, 42 + 5 = 47, ओके। उसके बाद 7 3 = 21, 21 + 4 = 25, नीचे आया 0, 8 2 = 16, नीचे आया जो 8 2 = 16, 1 carry, 6 2 = 12 + 1 = 13, 1 carry, 3 2 = 6 + 1 = 7, तो 6 + 0 = 6, 7 + ये आएगा 7 + व्हाट इज़ दिस, 6 + 6 = 12, 13, 1 carry, 5 + 8 + 1 = 9, और ये 7 + 2 = 9, तो आया 9 9 3 6 × 3 / 8 × 22। हाँ मल्टीप्लिकेशन अभी भी रुका नहीं है, फिर से चलो 9 9 3 6 × 3, 6 3 = 18, 1 carry, 3 3 = 9 + 1 = 10, 1 carry 9 3 = 27, 27 + 1 = 28, 2 carry, 9 3 = 27 + 29, अब ये आता 2 9 8 0 8 / 22 × 8, 8 2 = 16, 16 1 carry, 8 2 = 16 + 1 = 176, 176। अब देख लेते कहीं मैं कैलकुलेशन में भी गड़बड़ ना हो, ये देख लीजिए, एक्चुअली यहाँ पे शायद गड़बड़ हो गई है, 29 नहीं आता, 305 कुछ तो भी आता, हाँ तो यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी, तो यहाँ पे हमने 7 ऐड नहीं किया, ये है सॉरी, ये आता 375, ओके, और ये जाएगा 375, ओके, ये ऐड नहीं किया। और उसके बाद, अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा इसका पूरा, मैं लिख लेता हूँ अब 30375/176, ये आंसर आता, ओके। इस यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ध्यान दीजिए। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करें तो पता है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, यहाँ पे इसको इससे मल्टी डिवाइड करना पड़ता है 176, तो पहले आएगा 1, पहले 1 से ही जाएगा,
फिर वन से गया पहले डिवाइड करना, पहले इसको इससे डिवाइड करना पड़ता। देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 176 इंटू वन, 363 में से 16 नहीं जाते तो क्या करेंगे, 13 होगा, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7। फिर इधर आएगा 2, इधर आया 10, सॉरी मैं फिर इधर काट के आ गया 9, 9 में से शुरू गया 2, 2 में से 1, 27, 127, इधर आएगा 7, 17 से जाता, 176 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 4, 50, 51, 52, 53, 5 कैरी, 7 1 जा 7, प्लस 5 12, 132, हाँ चलो सही है, तो आएगा 112, 32, माइनस किया, क्या आया, 3, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, और फिर बचा है 5, तो 5 तो ये जाएगा 2 से, तो अब 176 इंटू 2, 7, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 14, 40 प्लस 1, 15, 1 कैरी, 7 2 1 जा 2 प्लस 1, 3, 3 5 2, 3 5 2, ओके। अब इसको इससे माइनस करने का क्या आता, तो वहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे करता, 455 माइनस 352, ये आंसर 3 5 0, 103। हाँ तो अब देखो 103 ये रिमाइंडर है, नीचे है 103, तो क्या करना है, 176 तो नीचे ही आता, जो ये वाला नंबर 103 है ना, नीचे वाला नंबर रिमाइंडर उसको ऊपर लेके जाना, ये वाला ऊपर, और जो ऊपर वाला नंबर है उसको साइड में लेके आना। तो ऐसा होता है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्शन, पहले डिवाइड करना, उसके बाद रिमाइंडर है वो ऊपर, नीचे है ना तो उसको बोलना बेटा चल ऊपर जा, तू ऊपर जा, चल ऊपर लेके आ, और जो ऊपर है ना उसको बेटा बेटा तू साइड में आ, बड़ा साइड में उसको जगह दे, जो इसमें साइड में लेके आना, 176 आएगा वो जैसे क्या वैसा, अंडरस्टूड। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व इट एक्सरसाइज। अब मैंने सबसे मुश्किल वाला प्रॉब्लम करके दिया, आपने बाकी का ट्राई करना है इन दिस वे, अच्छे से करना। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर इस जैसे मेरी गलती हो गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया पर प्लस करना भूल गया, आपके साथ भी हो सकता है, बट स्टिल यू जस्ट डोंट कन्फ्यूज इट, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए ओके, मल्टीप्लीकेशन उसके बाद। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, फाइंड अ प्रोडक्ट, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ प्रोडक्ट, हमें यहाँ पे भी सेम ही करना है, बस नाम दिया फाइंड द प्रोडक्ट फॉर, लेट्स सी। अब यहाँ का मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, जैसे ये इट्स नॉट टू मच हार्ड बट स्टिल ना ई प्रॉब्लम, ओके। 9:1/13 इंटू 1:13/16 एंड इंटू 4। पहले हमने कहा था कि मिक्स फ्रैक्शन हमें चाहिए ही नहीं, जैसे भी मिक्स देखिए इम्प्रॉपर में करो, 13 9 जा 117, ओके 117 प्लस 11, इस जो इससे मल्टीप्लाई करो और इससे ऊपर से आंसर आया प्लस करो, 7 प्लस 1 8 2 1 128 अपॉन 30 इंटू 16 इंटू 1 16 प्लस 30 9 29 29/16 और इंटू 4। और हमने कहा था 4 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 है, आप दे भी सकते हैं या नहीं दिए तो भी चलता है, इट्स योर चॉइस, ओके। सो अब चलो मल्टीप्लाई करते, पर देख लेते कि कौन किसके टेबल में आता है क्या, तो इसको पहले एक ऐसे लिख लेते, 128 इंटू 29 इंटू 4 अपॉन 30 इंटू 60, तो कौन किसके टेबल में आता है क्या, देखो 4 और 16 आता टेबल में, किसके 4 के टेबल में, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये देखना जरूर कि कोई ऊपर का और नीचे का दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं क्या, तो 4 और 16 मिलता है, 4 और 16 दोनों के टेबल में, 4 कितने से मल्टीप्लाई करूँगे तो 4 आएगा 1 से, और 4 16 से कितने से 16 आने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो 1/4। और अब 128 आता क्या 4 के टेबल में, यस ये भी आता है, तो 4 1 जा 4 और 4 32 जा 128, ओके फाइनली मिल गया। तो आंसर क्या मिला, 32 इंटू 29 अपॉन 30 इंटू 1 लिखा तो भी चलता है या फिर नहीं, ओके चलो 32 इंटू 29 का मल्टीप्लीकेशन, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 28, 3 6 0, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, सो आंसर आएगा 9 28, आंसर क्या आया 9 28 अपॉन 30, ओके 9 28 अपॉन 30। सो इन दिस वे
हमें आंसर पा, इसको रिड्यूस करने के लिए आप देख सकते हैं ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं क्या, पर 13 प्राइम नंबर है तो इस बेसिस पर तो ये नहीं आएगा, तो आप इसको ऐसे भी रखें तो भी चलता। ओके, इस तरह आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, पहले मिक्स का इम्प्रॉपर कीजिए और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और यह देखिए अगर ऊपर का और नीचे का नंबर दोनों एक ही टेबल में आता है क्या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट फाइंड ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस वेरी इजी, एक्सरसाइज 5.7। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो वहाँ पे लिखा है सपोज मैं लेता हूँ जी प्रॉब्लम। ओके, जी प्रॉब्लम वैसे इजी है पर फिर भी 3 × 10 ऑफ 100। ऑफ 100 यानी क्या करना, बस ऑफ के जगह मल्टीप्लिकेशन डालना, बस इतना ही है, और फिर जो करना है हमें पता है इनटू 100। तो 100 है तो 100, ये 10 के टेबल में 100 आता क्या, 10 और 100 दोनों आता क्या, यस 10 के टेबल में 10 भी आता 100 भी आता, 10 × 1 = 10 एंड 10 × 10 = 100, तो क्या बचा 13 × 10, तो क्या आता 13 × 10 130। ओके, 130 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इसी तरह हाँ, अगर हम देखें ये जी हो गया, आज एच प्रॉब्लम देखते हैं। एच में क्या बोला गया है, 3 / 3/4 ऑफ 3 / 2/3, तो 3/4 ऑफ 3 / 2/3। ओके, सब इसकी जगह फिर से क्या करना पड़ता हमें, बस ऑफ के जगह मल्टीप्लिकेशन 3 / 2/3, और मिक्स तो हमें चाहिए नहीं, हमने पहले ही कहा था मिक्स का इम्प्रॉपर करो, तो 3 × 3 = 9, 9 + 2 = 11/3। चलो मल्टीप्लिकेशन करो, कौन किसके टेबल में आता है कि यस 3 के टेबल में 3 दोनों बैठा है, 3 × 3 = 3, चलो कट ही गया, तो फिर बचा क्या 11/4, सो दिस इज द आंसर। ओके, 1 तो लिखते नहीं है, सो दिस इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो ईजी। ओके, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, अब जैसे कि बस ऑफ की जगह हमें क्या करना है, ये डालना है मल्टीप्लिकेशन, जैसे ए प्रॉब्लम ही देख लेते 1/4 ऑफ 1 रुपी। हाँ, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग 1/4 upon rupee 1। ओके, ये रुपी का साइन है, 1/4 upon rupee 1, तो यहाँ पे 1/4 × 1। अब एक बात याद रखना कि 1 रुपी होने के लिए हमें 100 पैसे चाहिए होते, 100 पैसे होने के बाद 1 रुपी होता है, ये हमेशा याद रखना। तो फिर क्या होता है, 1/4 × 1 की जगह क्या देखें 100 पैसा, तो फिर 4 के टेबल में 100 आता क्या, यस आता है, कब 4 × 25 जा। ओके, आप लगे सो, तो आंसर क्या 25 × 1 = 25, सो आंसर आया 25 पैसा, सो दिस इज द आंसर। ओके, ये हम ये दाखिल का ये वाला बस यहाँ पे ये कन्वर्शन है, बाकी ऑल ओवर तो सभी सेम है, क्योंकि हमें ये आंसर पैसे में चाहिए थे, इसलिए पैसे में निकाला, रुपए में बोला होता तो डायरेक्ट 1/4 ही आंसर आया होता। ओके, चलो नेक्स्ट, सपोज अब लेता हूँ मैं प्रॉब्लम नंबर बी प्रॉब्लम लेता हूँ, 7/10 ऑफ ₹50। अब 50 बोला गया है तो मतलब क्या आएगा, बस ऑफ के जगह मल्टीप्लिकेशन डालो 50, तो फिर ये कटेगा 10 × 5 = 50, 10 × 1 = 10 एंड 10 × 5 = 15, 7 × 5 = कितना होता 35, तो 35 रुपी, रुपी का साइन आता है। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चन 2, C, D, E, F, आप सॉल्व कीजिए। ओके, और नहीं समझा तो फिर से रिवाइज करके देखिए, बस मल्टीप्लिकेशन में ये याद रखना, मल्टीप्लिकेशन करते बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमेटर से डिनोमेटर से मल्टीप्लाई, उसके बाद मिक्स का हमेशा इम्प्रॉपर आना चाहिए, थर्ड चीज मिक्स का इम्प्रॉपर आने के बाद ऑफ के जगह आपको मल्टीप्लिकेशन डालना है, आप देख लीजिए ऊपर का नंबर और नीचे का टेबल दोनों एक ही टेबल में आता है क्या, तब उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो इन दिस यू हैव टू सॉल्व। चलो, थैंक यू।